वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई लोग, सीजन वन के लास्ट में सारा के भाई को सारा की एक बुक मिलती है और वहीं पर सीजन वन एंड हो जाता है और सभी लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस भी छोड़ जाता है। लेकिन अब इंतजार की घड़िया खत्म, हु किल सारा सीजन टू आ चुका है। तो क्या दोस्तों, सीजन टू में सारा का कातिल पकड़ा जाएगा या नहीं, या सीजन टू में भी बहुत सारे नए नए चैप्टर्स ओपन हो जाएंगे, तो ये सब जानने के लिए आपको ये सीजन टू देखना पड़ेगा। लेकिन हम बात कर लेते हैं कि कैसा है सीजन टू, इसमें क्या क्या नई बातें थी, सीजन टू देखना चाहिए या नहीं, कहीं इसे देखने के बाद आप अपना टाइम वेस्ट तो नहीं करने वाले। तो आइए जानते हैं। ओवरऑल बात करूं तो यार, सीजन टू की स्टोरी डायरेक्ट लिंक करती है सीजन वन से। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो डायरेक्ट सीजन टू देखेंगे, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी फायदा नहीं है, आपको पहले सीजन वन देखना पड़ेगा। सीजन टू की टोटल 8 एपिसोड है और हर एपिसोड की लेंथ तकरीबन 50 से 55 मिनट की है। इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं। इसे फैमिली के साथ बैठकर देखने में गलती मत करिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अडल्ट सीन भी मौजूद हैं। बात कर लेते हैं सीजन टू में क्या क्या खास बातें हैं। तो यार, सेम सीजन वन की तरह आप एंड तक यही गेस करते रह जाएंगे कि यार ये शख्स हो सकता है, ये शख्स सारा का कातिल हो सकता है, लेकिन एंड पर वही सारे शख्स बेकसूर निकलते हैं। तो सेम सीजन टू में भी आपको ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाए जाएंगे कि आप एंड पर कहेंगे यार ये भी हो सकता है, ये मैंने कैसे सोचा नहीं। मुझे डर था कि जिस टाइप की मिस्ट्री, थ्रिल, ट्विस्ट एंड टर्न्स, सस्पेंस सीजन वन में मौजूद है, क्या वो सब सीजन टू में भी होगा या नहीं। लेकिन भाई लोग, सीजन टू सीजन वन से एक कदम आगे है और क्रिएटर्स ने आपके माइंड के साथ ऐसे खेला है कि आप गेस ही नहीं कर पाएंगे कि आखिर सारा का कातिल कौन है। ये तो हो गई सब अच्छी बात है, अब थोड़े बहुत वीक पॉइंट्स भी डिस्कस कर लिए जाए। तो यार, मुझे एक ही वीक पॉइंट लगा है और वो है जीरो लॉजिक। बीच में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी आए हैं, कुछ कुछ सीन ऐसे भी आए हैं जिनकी कोई लॉजिक नहीं थी, जिनको कह सकते हैं कि फजूल में इस सीरीज में ऐड किया गया है। या तो उनका मतलब समझा दिया जाता तो हम भी कहते कि हाँ भाई नहीं, इसका ये मतलब है, लेकिन उनकी कोई लॉजिक नहीं थी, उनका कोई मतलब नहीं था। ओवरऑल दोस्तों, ये सीरीज बहुत ही अच्छी है टाइम पास करने के लिए, एंटरटेन होने के लिए। तो जिन जिन लोगों ने सीजन वन देख लिया है वो सीजन टू जरूर वॉच करें। जिन लोगों ने सीजन टू देख लिया है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको सीजन टू कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें। अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।